दोस्तों, ई श्रम कार्ड को लेकर एक मैसेज आपके पास भी आया होगा। इस मैसेज के बारे में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट आपको बताऊंगा। ये मैसेज क्यों है, आगे आपको क्या करना होगा, पूरा का पूरा आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो यहाँ पर पहले मैं आपको मैसेज बताता हूँ इस तरीके से। ये मैसेज आपको भी देखने को मिला होगा, ई श्रम। उसके बाद में यहाँ पर जैसे मैं इसको जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ आपको मिला होगा इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैसेज आपको इसी तरीके से आपको मिला होगा। ई श्रम पर अपना वर्तमान पता अपडेट करें, CSE या ईश्रम.gov.in पर जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अगर आपको भी ये मैसेज मिला तो जैसे पहले मैं आपको देता हूँ, अगर आप यहाँ पर लेबर हो तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर एक काम की चीज़ है, या आपको यहाँ पर कंपलसरी ये मैसेज के बारे में जानना पूरा का पूरा जरूरी है। जैसे मैं आपको बताऊँ, जब भी आपने यहाँ पर ई श्रम कार्ड बनवाया था, जो आपका यहाँ पर आधार कार्ड में एड्रेस है वो आपने डाला होगा, फुल एड्रेस, जो भी आपका वर्तमान जो भी आपका स्थायी एड्रेस है वो आपने डाला होगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उसके बाद राजस्थान में आपका यहाँ पर कोई सा भी यहाँ पर गांव होगा जो आपने यहाँ पर एड्रेस डाला होगा। उसके बाद में जैसे आप यहाँ पर लेबर हो, तो आप जैसे जयपुर में मान लो यहाँ पर कौन सी जगह पर काम करते हो, जैसे आप जयपुर में काम करते हो, दिल्ली में काम करते हो, तो आपको वो एड्रेस यहाँ पर वर्तमान पता, मतलब इसका मतलब यही है, वर्तमान पता जहाँ पर आप काम कर रहे हो, जैसे आप लेबर हो तो जहाँ पर आप काम कर रहे हो वो एड्रेस आपको ई श्रम कार्ड में आपको अपडेट करवाना। तो कैसे अपडेट कराओगे, तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो पहले बना रखा, आप वीडियो देख के यहाँ पर अपडेट कर सकते हो वर्तमान पता को। तो अगर आप यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप लेबर नहीं हो, जैसे आप गांव में रहते हो, जो आपका ई श्रम कार्ड में जो एड्रेस है वहीं पर आप रहते हो, कहीं पर आप काम नहीं करते हो, तो आपको यहाँ पर अपडेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लेबर हो, मजदूर हो, तो आप जहाँ पर भी आप रह रहे हो, जैसे जयपुर में, दिल्ली में, कहीं पर भी आप रह रहे हो, वहाँ का आपको यहाँ पर एड्रेस आपको अपडेट करना ई श्रम कार्ड में। तो यहाँ पर ये अपडेट उन्हीं के लिए, जैसे यहाँ पर लेबर हो तो यहाँ पर मजदूरी करते हो, तो आपको यहाँ पर करना जरूरी है ई श्रम में। जैसे आपका पैसा यहाँ पर पहले फर्स्ट किस्त आ गई थी 1000 रुपये, यहाँ पर ई श्रम कार्ड से जो मिलता, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर, जैसे अगर आप कहीं पर रह रहे हो, तो आपको वर्तमान पता आपको अपडेट कर देना, उसी के बाद में आपका जो भी यहाँ पर किस्त का पैसा आपको मिलेगा, तो आपको भी ये काम करना, आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज काम का। अगर जिनको यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ पर जो एड्रेस है वहीं पर रह रहे, गाँव में रह रहे, तो आपको यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं यहाँ पर अपडेट करने की, तो यहाँ पर ये मैसेज उन्हीं के लिए। तो यहाँ पर पूरा का पूरा मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो तो आपको वो एड्रेस आपको अपडेट कर देना। तो पूरा का पूरा मैंने आपको कंप्लीट आपको बता दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को। धन्यवाद।